मानस मर्मज्ञ कथावाचक मुरारी बापू ने चंपा देवी पार्क में श्री राम कथा के चौथे दिन कथा के बहाने दाम्पत्य जीवन के मौजूदा स्वरूप पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक तभी होगा जब पति पत्नी को प्रेम करे और पत्नी पति को आदर करे। यदि दाम्पत्य जीवन ठीक हो गया तो राम को आपके घर अवतार लेने में कोई बाधा नहीं है, जैसे उन्होंने दशरथ के घर अवतार लिया। आपको बता दें, यह कथा गोरखनाथ मंदिर और श्री राम कथा प्रेम यज्ञ समिति के संयुक्त तत्वाधान में हो रही है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में आयोजित कथा में रोज पहले की अपेक्षा भीड़ बढ़ती ही जा रही है। मुरारी बापू ने राम जन्म की कथा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। गुरु गोरखनाथ की चर्चा करते हुए कहा कि हीर से बिछड़ने के बाद व्याकुल राजा भागता हुआ गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा। बाबा ने उसे दीक्षा दी। उनकी दीक्षा के 5 पड़ाव हैं। पहले उन्होंने एक मुट्ठी भस्म और आसपास की थोड़ी मिट्टी लेकर उसे दी और कहा, इसे शरीर पर मल लो। राजा बहुत सुंदर था, ईश्वर की अनुपम कीर्ति था। गुरु गोरखनाथ ने उसके रूप सौंदर्य का सम्मान करते हुए कहा कि आज से शरीर को चीता की भस्म समझना, यह जल चुकी है। दूसरा पड़ाव बताया, भिक्षाटन से ही भोजन करना। इसी तरह क्रमशः गुरु का ध्यान, गुरु मंत्र का जाप एवं अलक निरंजन की तरफ गति की शिक्षा दी। जब राजा ने उन्हें बताया कि बाबा मैं हीर से बहुत प्यार करता हूँ, बाबा नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुझे हीर से मिलवा दूंगा, लेकिन यह मिलन ज़्यादा देर नहीं चलेगा, शाश्वत मिलन की ओर तुझे चलना है। आ, तुझे मैं प्रेम योग की दीक्षा देता हूँ। इस दौरान बापू ने कथा के अंत में शिव विवाह का व राम जन्म का प्रसंग सुनाया। अनुभूत अवस्था को भी जो भी स्मरण भी नहीं, भस्म का लेपन राजा ने किया और कहा, बेटा ये पहला अध्याय है और इसका नाम है आज से। राजा बहुत सुंदर था, युवानी ने हाथ और हृदय को कोई भी प्रभावित राजा से यदि नवरो मारो दीनो ना घना ने तो परमात्मा ही हाव नवराश में फिर आओ संघेड़ा उतार रूप कोई ना है इतना रूप छवि की राजा और ऐसे गोरे बदन पर आज गोरखनाथ ने भस्म का लेपन करवाया और पहले पड़ाव की दीक्षा देते हुए कहा, राजा चुनते आज से कि तेरा जो मन तेरा रूप सलामत रहे, लेकिन गुरु की पहली ये दीक्षा है आज से तेरे शरीर को चिता की भस्म समझ जल चुका। ठाकुर ने गाया था, अपने अंदर राजा मत जा मत जा जो भी अगर चंदन की चिता बनाकर उसकी बसो अपने अंदर लगा मंजर पड़ता हूं देखता हूं तब लगता क्या स्थिति हो गई। पहला शरीर का ध्यान रखना, लेकिन मिट्टी है बस इसका सुना तुम से बात कभी निश्चित ना हो, ऐसे ही जीवन में एक बार दो बार खाने की इच्छा हो, भिक्षा के बिना कुछ मत खाना। भिक्षा बड़ा पवित्रतम शब्द है, भिक्षा शब्द को फिर ज्यादा जीवंत करना भूलि गई। भिक्षा जीवन कृपया आप परफ्यूम लगाओ शरीर पर, अच्छे मेकअप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई कोई मैं आलोचना नहीं करूं, लेकिन स्मरण ये रखे ये मिट्टी है, ये
मेरा अपना जीवी का है किसका है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, मेरा साथ है स्मरण बस। उसकी जवानी को गोरखनाथ ने आदर दिया, सम्मान किया, उसके रूप को आशीर्वाद दिया, लेकिन भस्मलेप के द्वारा का स्मरण रखना धन की कौन बढ़ाई। दूसरा सूत्र का या भिक्षा से हो जाता है, तीसरा का ध्यान जगत में एकमात्र गुरु का करता है, गुरु की जगह पर कोई नहीं बैठ सकता। हरि भी साधक आए तो कहती है कि मेरे गुरु के स्थान पर ईश्वर को भी नहीं बैठता, मैं तुझे दूसरा स्थान, क्योंकि गुरु के संग हरि को बैठा राम तजो, लेकिन गुरु न मिलता गुरु के बिना चिंतन तो गुरु का, स्मरण तो गुरु का, निदान गुरु का, आदेश गुरु का, स्मरण आचरण सब गुरु का। राजा बाकी चौथा मंत्र गुरु जो मंत्र दे वही मंत्र का जप, और सच्चा गुरु जो सनातन होगा वही देखा अपने मन घड़त मंत्र पैदा नहीं करेगा। राजा सोच रहा है कि चार वस्तु पूरी हुई, लेकिन मेरा गंतव्य क्या, मुझे जाना कहां है इस पड़ाव को पार करते करते। धैर्य रख राजा, याद कराया फिर चारों पड़ाव, और फिर पांचवा पड़ाव गोरखनाथ ने राजा को कहा तुझे पहुंचना है अलख निरंजन। यदि अलख निरंजन नाराज नहीं हुए दोनों। अब
मैं तुझे प्रेम योग दूं, प्रेम योग मोहब्बत दूं। ये नहीं कहा है संसार में क्या रखा ना आदमी मेरा चौकी का मठा हुआ है, इसमें जितने इनका मर्यादा हो चमड़े पर, वो तो पशु की चमड़ी है, उपयोग में ये चमड़े तो कोई उपयोग में भी नहीं।